Hi, Libra, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Libra? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, ट्रीली मीन्स अ लॉट, लिब्रा. एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप सबके लिए, अप टू 20% ऑफ ऑन पर्सनल रीडिंग्स. जी हाँ, 31 जुलाई से पहले अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराएंगे लिब्रा, आपको मिलेगा 20% तक की छूट. मेरा व्हाट्सएप लिंक है, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पे मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट रियली वेरी मिनिमम फीस. ओके लिब्रा, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज हैं, और इफ़ यू जनरली वॉन्ट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना आरंभ कर दीजिए. ओके, लेट्स सी लिब्रा, एंजल्स, हायर बीइंग्स, एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर लिब्रा इन द मंथ ऑफ जुलाई 2024, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. ओके, लेट्स कट द टेक. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज पेज ऑफ पेंटिकल्स. Current energies of your person, six of cups. Intention of your person, three of wands. Future action of your person, three of cups. Your energy, knight of swords. And future of this whole connection is the world. Okay, zodiac sign bata deti hu. Zodiac sign is Pisces, Cancer, Scorpio, Sagittarius and Aquarius. Baki aapka person jis bhi zodiac sign ka ho, aap tab bhi ye video dekh sakte ho Libra. ओके, मुझे एक चीज ना बहुत क्लियर कट दिख रही है. देखो, कांटेक्ट हो जाएगा, कांटेक्ट आप मान के चलिए थ्री वीक्स के अंदर ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहे हैं. मुझे कहीं ना कहीं ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है. देखो, दो चीज बता रही हूँ. अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना कहीं मुझे नहीं दिख रहा है कि आप लोग का फ्यूचर है. ऑल्सो मुझे दिख रहा है ये पर्सन दूसरे सिटी में, ये दूसरी कंट्री में मूव करते हुए दिख रहे हैं. और अगर आपका पर्सन या आप कहीं दूसरी कंट्री में जाते हुए दिख रहे हो, देयर इज नो फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन. लेट मी गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू लिब्रा. या मुझे एक तो ये चीज दिख रही है कि आप दोनों के बीच में ऐसा कोई फाइट या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ. लेट मी गेट स्टार्टेड विद दैट. मुझे ऐसा कोई झड़प नहीं दिख रही है, कुछ प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी है. मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों की ऐसी बस बात होनी बंद हो गई. आपने उन्हें कॉन्टैक्ट करना कॉल करना बंद कर दिया, उन्होंने आपको कॉन्टैक्ट करना कॉल करना बंद कर दिया. आई एम सॉरी अगर पीछे बैकग्राउंड में कोई भी आवाज आ रही हो, मैं क्या ही बोलूँ. सो मुझे आपके, लेट्स गेट, ओ माय गॉड भाई कितना शोर करते हैं लोग. ओके, लेट्स जस्ट फोकस ऑन द रीडिंग. मुझे क्लियर कट ये दिख रहा है. ओके, आई कैन सी दैट. जैसे मैंने बोला कि आप दोनों के बीच में बातचीत होने बंद हो गई. एंड म्यूचुअल एनर्जीज में कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप लोग आप लोग एक दूसरे के बारे में उतना सोचते भी नहीं हो. आप लोग अपनी लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हो कि आपको सोचते भी नहीं हो कि हाँ मेरा पर्सन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा. पहली बात तो मुझे दिख ही नहीं रहा है कि आप लोग एक रिलेशनशिप में हो. मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग डेटिंग फेज में थे, एक दूसरे से जान रहे थे. दैट्स इट. आई एम नॉट सीइंग दिस इज अ रिलेशनशिप काइंड ऑफ अ कनेक्शन लिब्रा. तो वही म्यूचुअल एनर्जीज मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि एज सच कोई नेगेटिविटी नहीं है, ना एज सच कोई प्यार है. इट्स जस्ट नॉर्मल न्यूट्रल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. या ये रिलेशनशिप वाली रीडिंग है ही नहीं, ये डेटिंग वाली रीडिंग है. आप लोग अभी दोस्त हो या आपका क्रश इनके ऊपर है, ऐसी रीडिंग मुझे ये दिख रही है. द करेंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज सिक्स ऑफ कप्स. सी, दिस पर्सन ट्रूली रिस्पेक्ट्स यू अलॉट. ये जानता है लिब्रा कि आप बहुत ही इमोशनल, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही सेंसिटिव पर्सन हो. कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा पर्सन मानता है कि हाँ लिब्रा के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा इमोशनल कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जा सकता है. Exactly. So they see you as someone जिसके साथ एक good connection establish. पर क्या आप सोच रहे हो क्या आपके पास आपके अंदर ये आपसे प्यार करते हैं? The answer is no. I am not seeing that they love you. They definitely like you, respect करते हैं, but कहीं ना कहीं I am seeing that things are not adding up. ये मेरे हिसाब से ना ये person ऐसा सोच रहे हैं आपकी current energy, जितनी इनकी current energies दिख रही हैं. दे आर फीलिंग कि लिब्रा एक बहुत ही इमोशनल, बहुत ही एक सेंसिटिव पर्सन है और मैं लिब्रा की वो इमोशनल नीड्स
उस सेंसिटिविटी को केटर नहीं कर सकता, मैं पूरी नहीं कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये रियलाइजेशन है कि लीब्रा की जो नीड्स है वो मैं पूरी नहीं कर सकता। इट्स बिकॉज इनका करियर बहुत प्यारा है, इट्स बिकॉज ये दूसरे सिटी में, दूसरे कंट्री में मूव आउट करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि ये भी बहुत इमोशनल पर्सन है, बट कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट से भागते हैं, दे आर वेरी कमिटमेंट फोबिक। उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा कैजुअल रहे उतना ज्यादा बेटर। राइट नाउ देयर प्रायोरिटी इन लाइफ इज नॉट अ रिलेशनशिप लव, इनकी प्रायोरिटी इनका करियर है। ये भी बहुत क्लियर कट दिख रहा है मुझे लीब्रा। देयर इंटेंशंस फॉर यू, सी ये पर्सन आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। ये पर्सन सोचते हैं कि हाँ मैं, हाँ लीब्रा अपनी लाइफ में ग्रो करे, लीब्रा अपनी लाइफ में आगे बढ़े, लीब्रा खुश रहे। बट कहीं ना कहीं मुझे बड़ा सेल्फ सेंट्रिक इंटेंशन दिख रहा है। इनका इंटेंशन सिर्फ अपने लिए, इनका इंटेंशन लाइक आई सेड, इनका इंटेंशन कहीं ना कहीं यही है कि इन्हें अभी अपने सिर्फ करियर पे फोकस करना है, दैट्स इट। इनकी प्रायोरिटी अभी लव लाइफ रिलेशनशिप है ही नहीं। और मेरे हिसाब से इस पर्सन ने आपको ऑलरेडी बता रखा है लीब्रा कि मैं रिलेशनशिप लव नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हाँ अगर आपको मस्ती करनी है, मजाक करना है तो आप आ जाओ, पार्टी वार्टी करनी आ जाओ। और मैं हमेशा अपने वीडियो पे, हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी यही बोलती हूँ कि अगर सामने वाला पर्सन आपको बोल रहा है कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग सीरियस, मैं सिर्फ टाइम पास करना चाहता हूँ, और आप वो उम्मीदें पाल रहे हो, तो आप बेवकूफ हैं और कोई बेवकूफ नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर दैट, जब सामने वाला अपना इंटेंशन क्लियर कर रहा है और आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, सालों साल आप वो घूम रहे हो फिर रहे हो विद द होप्स कि ये बदल जाएंगे, शी विल चेंज, ही विल चेंज, तो आप बेवकूफ हैं। बट आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल रही है। आई एम वेरी हैप्पी विथ योर एनर्जी एज वेल लीब्रा। सो दैट्स योर इंटेंशन। फ्यूचर एक्शन, सी मुझे फ्यूचर एक्शन में कोई कमिटमेंट नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है कि ये प्यार में पड़ रहे, रिलेशनशिप में आ रहे हो, कमिटमेंट में आ रहे हो। नो, मुझे फ्यूचर एक्शन इनका ये दिख रहा है कि ये आपको बुलाएंगे कि चलो पार्टी कर लो, चलो कैफे में चल लो, चलो इंजॉय कर लो, चलो लेट्स गेट इंटीमेट। तो इनका अप्रोच टूवर्ड्स यू विल बी वेरी वेरी कैजुअल। ये बात करेंगे, ये आपसे बात करेंगे, ये टच में रहेंगे, बट अगर आप ये सोच रहे हो कि आप लोगों का एक इमोशनल कनेक्शन डेवलप होगा लीब्रा, द आंसर इज नो। यू गाइज विल बी ईच अदर्स फ्रेंड्स, यू गाइज विल बी ईच अदर्स एक्वेंटेंस, 10-15 दिन में एक आध बार बात हो जाएगी, दैट्स इट। फ्यूचर में आप लोग पार्टी कर लोगे, इंजॉय कर लोगे, इनके फ्रेंड्स से मिलोगे, आप अपने फ्रेंड से मिलाओगे। आई एम सीइंग अ कैजुअल एनर्जी, और ये वही दिख रहा है कि आप लोग कभी रिलेशनशिप में आए नहीं थे, इट वॉज जस्ट डेटिंग डेटिंग, देन इनको वो क्लैरिटी आई, एंड देन दे हैव क्लियर देयर इंट, इन्होंने अपना इंटेंशन ऑलरेडी क्लियर कर रखा है, दे हैव क्लियर द इंटेंशन। अगर नहीं क्लियर कर रखा है तो दिस इज द वीडियो फॉर यू लीब्रा। आई एम नॉट सीइंग एनी कमिटमेंट। ऑल्सो देखो, ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं क्रिएट करे, ये नहीं कह रहे कि आपको आपको झूठा दिलासा दे रहे हैं आपके साथ रिलेशनशिप में और दूसरों को भी मुंह मार रहे हैं। मुझे ये दिख रहा है ये कैजुअल है, दे आर नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग सीरियस, सो दे विल हुक अप विथ यू एज वेल, दे विल हुक अप विद अदर पीपल एज वेल। मतलब आपसे भी फ्लर्ट करेंगे, आपसे भी मोहब्बतें या फिर ऐसी फ्लर्टी बातें करेंगे और दूसरे लोगों से भी करेंगे, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी रिलेशनशिप है नहीं। बट इंसान को तो होता ही ना कि फिजिकल नीड पूरी करनी है या मस्ती मजाक करना है, तो ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही रहेंगे, ये ऐसे ही पार्टी वार्टी करेंगे, दूसरे लड़के लड़कियों के साथ फ्लर्ट करेंगे, आपके साथ फ्लर्ट करेंगे, नॉन सीरियस है ये, आपके साथ भी नॉन सीरियस रहेंगे, दूसरों के साथ भी नॉन सीरियस रहेंगे, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी रिलेशनशिप है ही नहीं अभी। योर एनर्जी नाइट ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत सुपर डुपर अट्रैक्टेड हो इस पर्सन से, जो भी है ना, ये पर्सन बहुत हाईली अट्रैक्टिव है, बहुत गुड लुकिंग है, दे आर हाईली गुड लुकिंग। मुझे ये दिख रहा है कहीं ना कहीं आप इनके साथ जल्दबाजी में एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। जल्दबाजी में आपको था कि नहीं इस पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप में आते, नहीं इस पर्सन के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आते, बट कहीं ना कहीं डे बाय डे लिटरली डे बाय डे आपको रियलाइजेशन हो रहा है लीब्रा कि नहीं, दे आर नॉट द वन फॉर यू। कहीं ना कहीं आप बहुत गुस्से में हो, कहीं ना कहीं आप इनसे बात करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, क्लैरिटी लाना चाहते हो, बट दिस पर्सन हैज ऑलरेडी गिवन यू क्लैरिटी। आप कौन सी क्लैरिटी लाना चाहते हो? डोंट बी अ विक्टम इन दिस केस। मेरे हिसाब से लीब्रा कहीं ना कहीं, मेरे हिसाब से आप प्लेयर लोगों को, प्लेयर एनर्जी को ही अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप किसी से बात करते हो, सामने वाला पर्सन आपको बोल देता है कि नहीं मैं सीरियस रिलेशनशिप या सीरियस कुछ नहीं चाहता हूँ, तब भी आप ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हो, ऐसे लोगों के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हो। डोंट डू दैट लीब्रा। अगर सामने वाला आपको ये चीज क्लियर कट बोल रहा है, देन डोंट डू दैट। डोंट, अपनी लाइफ पे फोकस करो लीब्रा। दैट्स द स्ट्रॉन्ग गाइडेंस फॉर यू कि प्लेयर लोगों के पीछे या जो वैसे एकदम कैसनोवा किस्म के पर्सन है, हजार लड़के लड़कियों से बात करें, ऐसे लोगों को छोड़ दो एंड मूव ऑन करो अपनी लाइफ में, क्योंकि ये पर्सन
ये पर्सन एक्चुअली रियलाइज करता है लीब्रा कि आप एक इमोशनल पर्सन हो, यू डिजर्व दैट लव एंड केयर, और ये पर्सन नहीं दे सकता, दैट डज नॉट मीन कि आप इनके पीछे पड़े हो। इस पर्सन ने शायद बोल भी रखा है, ये पर्सन सॉर्टेड आउट है अपनी एनर्जी में, ये पर्सन नहीं बोल रहा है कि आप मेरे से इमोशनली इन्वॉल्व हो, मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ, बट आप मेरे पीछे पड़े रहो। नो, इस पर्सन ने आपको बांध के कहीं पे भी नहीं रखा है लीब्रा, बिल्कुल बांध के नहीं रखा है। एंड इफ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस वीडियो, देन आई थिंक यू शुड मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन एंड फोकस ऑन फाइंडिंग दोज पीपल, दैट पर्सन जो आपके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहता है। एटलीस्ट वो एक दिन में आप सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आ जाओगे ऑफकोर्स, बट एक इंटेंशन तो होना चाहिए, हाँ मुझे एक इमोशनल लविंग केयरिंग कनेक्शन चाहिए जिसके साथ मैं फ्यूचर बिल्ड कर सकूँ। आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो, उनसे एक्सपेक्ट करते हो, बेवकूफ आप है लीब्रा, क्योंकि कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी और इमेच्योरिटी आप हो, आपके अंदर वो इमेच्योरिटी, पेज ऑफ पेंटिकल्स विद नाइट ऑफ सोर्ड्स, यू आर अ बिट अ लिटिल बिट इमेच्योर। थोड़ा अपना अप्रोच चेंज करो लीब्रा, दैट्स द गाइडेंस फॉर यू। फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, द वर्ल्ड की एनर्जी, सी ऐसा नहीं है कि आप लोग के बीच में बात बंद हो जाएगी, दुश्मनी हो जाएगी, नो, यू गाइज विल स्टे इन टच विथ ईच अदर। आप लोग एक अच्छे दोस्त दिख रहे हो, आप लोग एक अच्छे एक दूसरे का अच्छा साथ दोगे दिख रहा है, आप लोग पार्टी करोगे, मे बी इवन आप लोग साथ में विथ फ्रेंड्स ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो, बट रिलेशनशिप कमिटमेंट की एनर्जी नहीं है। ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है इस साल के एंड तक लीब्रा स्पेशली फॉर यू, आपकी लाइफ में एक ऐसा लव आने वाला है जिसके साथ आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिख रहा है। सो न्यू लव इज कमिंग फॉर यू दैट विल ऑफर यू दैट कमिटमेंट, दैट लव, दैट लॉयल्टी दैट यू डिजर्व एंड दैट यू वॉन्ट लीब्रा। दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग लीब्रा, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।